दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए पिछला दिन बहुत ही अच्छा रहा था, जहां पर दोस्तों एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे नाइट्स ने अपने केकेआर ओनर को बर्थडे के ऊपर काफ़ी सारा स्पेशल गिफ्ट दिया है। सो दिवाली आने में अभी काफ़ी टाइम है, बट यहां छोटी दिवाली ऑलरेडी मना चुके हैं श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह। इसके अलावा दोस्तों ओवरसीज खिलाड़ी भी अपनी अपनी जो लीग्स खेल रहे हैं वहाँ पर स्पेशली रिसेंट कुछ दिनों के अंदर पता नहीं ताबड़तोड़ उन्होंने पारियाँ खेली है। क्या पता उनको लग गया हो कि यहाँ पर वेंकी मैसूरिया मैनेजमेंट ने बात पता चला दी हो कि अगर मालिक के बर्थडे के ऊपर आपने अच्छा काम नहीं किया तो यहाँ पर आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह ने तो रिसेंटली कहर डाल दिया, लगभग यहाँ पर दोस्तों 33 गेंदों के अंदर ऑलमोस्ट 70 प्लस रन स्कोर कर दिए। वहीं दोस्तों ये 20 ओवर फॉर्मेट की तो बात चल रही है, क्यों पीछे रहे, कहाँ पीछे रहे श्रेयस अय्यर, ऑलमोस्ट एवरेज सा गया उनका ये साल। बहुत ही यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड कप में फीका फीका जा रहा था, बट एक पारी ने उनको ला खड़ा कर दिया और अभी वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का 106 मीटर का उनके नाम हो गया है। 82 रन बनाए उन्होंने केवल 56 गेंदों पर, 3 चौके लगाए और 6 बड़े बड़े छक्के लगाए। 146 प्लस की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर श्रेयस अय्यर का वेलकम बैक हो चुका है। सबने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से बर्थडे यहाँ पर दिया है और टीम इंडिया ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर दोस्तों पहले तो यहाँ पर टारगेट सेट किया, इसके बाद चेस भी की यहाँ पर जो चेस करने नहीं दिया। तो इतनी सारी खुशी के बीच में आप सभी के लिए एक और खुशी की बात ले आया हूँ जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है। तो आ जाते हैं फटाफट टॉपिक पर। तो मैंने आपको बहुत पहले से ये बता रखा है कि जेसन रॉय टीम केकेआर के अंदर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर तो है ही, नाइट राइडर्स फैमिली के अंदर भी आ रहे हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो उनको 3 साल का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे भी अपने बैंक के अंदर ऐड करेंगे। अब वहीं दोस्तों एलेक्स हेल्स की भी वापसी हमें देखने को मिलने वाली है। अब ये दोनों ही प्लेयर्स यानी जो जेसन रॉय है वो केवल और केवल आने वाले हैं नाइट राइडर्स फैमिली के अंदर, जो कि कोलकाता होगी और दूसरी और टीम होगी। एलेक्स हेल्स अब आपको आते हुए देखने को मिलेंगे एडीकेआर के अंदर। एडीकेआर का ऑक्शन अभी होना बाकी है बट ऑलमोस्ट आपको टीम संभावित दिख चुकी है। और टीम्स अगर आपको नहीं पता है कि एडीकेआर की क्या टीम है तो नीचे कमेंट करो, एक डेडिकेटेड वीडियो के ऊपर बन जाएगी, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर कल हमने स्टोरी पोस्ट की थी, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। सो ये धमाकेदार जोड़ी रहने वाली है। उम्मीद करेंगे कि एलेकेआर या फिर टीकेआर ऐसी और भी जगह पर जेसन रॉय तो खेलेंगे ही, वहां पर एलेक्स हिल्स भी खेल सके। आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यहां पर क्या आपको लगता है जेसन रॉय और एलेक्स हिल्स की जोड़ी जैसे नारायण और आंद्रेसल की जयवीरू की जोड़ी थी, रिंकू और राणा की जयवीरू की जोड़ी है, क्या ये भी एक हिट जोड़ी हो पाएगी टीम केकेआर और नाइट राइडर्स फैमिली के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।